कि जो उनको पढ़ेगा तब उनके समझ में आएगा कि इस दो अप्रैल के बंद का क्या मतलब था। 2 अप्रैल का बंद और कुछ नहीं था, 2 अप्रैल का बंद हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे वोट से शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की सीटों पर चुन करके जाते हैं, उन्होंने जब उनके लिए कुछ नहीं बोला संसद के अंदर, तब उन्होंने सड़क पर आकर के भारत बंद किया। वो चमड़िया जी ने लिखा है अपने मैगजीन, हमें पढ़ना चाहिए। बहुजन पत्रकारिता को धार देने के लिए अनिल चमड़िया साहब इस देश के अंदर बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, और उन्होंने ओपी महायन जी के साथ मिलकर के बहुजन मीडिया को और ज्यादा डेवलप करने के लिए और सारे सोशल मीडिया को एकत्र करने के लिए, प्रिंट मीडिया जो छोटे छोटे मीडिया हैं उनको एकत्र करने के लिए, जिस तरह से काशीराम साहब ने छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छोटी छोटी जातियों को इकट्ठा करके दलित बनाया था, काशीराम साहब ने ओबीसी और दलित को इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाया था, इसी तरह से चमड़िया साहब छोटे छोटे पत्रकारों के संगठनों को, छोटे छोटे चैनलों को इकट्ठा करके एक बड़ा बम बनाना चाहते हैं जो बहुजन पत्रकार बम के रूप में आपके लिए दिखेगा। और सारी पार्टी, इस देश की सारी पार्टियां नतमस्तक हो जाएंगी पत्रकारों के आगे। और आज पत्रकार भाइयों ने जिस तरह से यहां परिचय दिया है उसमें से कुछ पत्रकारों को अभी पुरस्कार भी दिया जाएगा सेशन में, चमड़िया साहब के सम्मुख महायन जी उनको पत्रकारों को सम्मान करेंगे। और 16 तारीख के लिए माननीय काशीराम साहब का जो जन्मदिन है 15 मार्च, तो 16 तारीख को उसके उपलक्ष में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जो देश की प्रेस का केंद्र बिंदु है, वहां पर हॉल बुक करा दिया गया है, और उसका 16 तारीख को पत्रकारों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, उसमें इस बहुजन मीडिया के लिए क्या नाम दिया जाए तय किया जाएगा, सभी पत्रकार बंधु तय करेंगे मिलकर के। मेरा आपसे अनुरोध है पत्रकारों के साथ तरफ से, आप भी बताएंगे अपने संबोधन में, मैं अपनी तरफ से भी चूंकि मैंने पहल की है इसको बनवाने में, तो इसलिए मैं भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पत्रकार जहां भी आपके संबंध हों जिन पत्रकारों से, और कोई आपसी द्वेष नहीं होना चाहिए, भले ही पर्सनल कुछ भी हो, लेकिन समाज के लिए सबको हमें पत्रकारों को एकत्र करना पड़ेगा, ताकि हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमारी बात नहीं लिखता है, नहीं चैनल पर दिखाता है, और हम लोग गुस्से में आकर के चैनल बंद कर देते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको इस मीडिया को तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने काशीराम जी को सहयोग दिया था बहुजन समाज बनाने में, उसी तरह से बहुजन मीडिया को भी सहयोग देना पड़ेगा, ताकि इनका हौसला न टूटने पाए, और यही हमारा सबसे बड़ा निशाना होगा, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा जिससे हम बहुजन समाज की लड़ाई को जीतेंगे। तो मैं उनका स्वागत करता हूं चमड़िया साहब का, और हमारे बीच में श्रीवास्तव साहब हैं, रवि श्रीवास्तव साहब, आप जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं और लेबर एम्प्लॉयमेंट इस पे इनका बहुत बड़ा काम है, और वो हमारे बीच में आज इस टॉपिक के एक तरह से विशेषज्ञ हैं, उनको आमंत्रित किया है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर महिपाल सिंह जी भी हैं, जो भारतीय आर्थिक सेवा से रिटायर हैं, मैं भी उसी सेवा में था, मेरे साथी हैं, मैं डायरेक्टर था, ये भी डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि सामाजिक क्षेत्र में इनकी बहुत रुचि है, इनके तमाम पेपरों में आर्टिकल छपते हैं, तमाम मैगजीनों में पंचायती राज के ऊपर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर ये बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, और आजकल इन्होंने जो दलित समाज ने भी बाबा साहब की किताबें नहीं पढ़ी होंगी, द पीपल ऑफ इंडिया, डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज मिशन, और तमाम जातियों के ऊपर इस समय स्टडी कर रहे हैं, और अपनी स्टडी के माध्यम से ये बहुत बड़ी चीज हमारे लिए देने वाले हैं, क्योंकि जिसके पास जिस तरह का समय है और जिस तरह की बुद्धि है उसको लगाए और उसमें अनुसंधान करके
हमें अनुसंधान करने वालों की जरूरत है कि हम जो है इतने ज्यादा होते हुए भी अपने मिशन और मूवमेंट में फेल क्यों हो रहे हैं। उसके लिए हमें बुद्धिजीवियों को फिर से एक बार अनुसंधान करने की जरूरत है। और ये कोई वोट लेने के लिए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ नहीं है, कोई राजनीतिक लड़ाई का समग्र विकास संघ नहीं है, बल्कि ये बुद्धिजीवियों का एक रिसर्च विंग है। ये ऐसा अनुसंधान करके ऐसी चीजें निकाल के लाते हैं जिससे कि बहुजन समाज को मजबूत करके और उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा किया जाए जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, और जो अगर इकट्ठी नहीं हो तो उनके लिए सबक सिखाने का काम भी ये मतलब राष्ट्रीय समग्र विकास संघ करता है। मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमने एजेंडा 2019 के नाम से अभी हमने पिछले दिनों में एक कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया था, और उसमें हमने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को इकट्ठा करने का भी हमारा विधान था। हमने ये उसमें निर्णय लिया था कि हमारा वोट पड़ता तो खूब है लेकिन हम सत्ता में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारा वोट बट जाता है। समाजवादी पार्टी भी बहुजन समाज के वोटों से चलती है, बहुजन समाज पार्टी भी बहुजन समाज के वोट में चलती है। वो कहता है मैं बड़ा हूं, तुम कहते हो मैं बड़ा हूं, लेकिन बड़ा तरबूज होता है, तरबूज को काट दो अलग अलग कर दो तो पानी बन जाता है, और तरबूज को अगर इकट्ठा रहे तो तरबूज दिखता है। तो बहुजन समाज तो है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? कि कट जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए दिखता। और ये इसमें समाज का कोई दोष नहीं है, इस समय स्वयंभू लीडर जो बन गए हैं उन लीडरों का दोष है। उन लीडरों को सबक सिखाने के लिए ये समग्र विकास संघ बना है। हमने आंदोलन चलाया, लोग कहने लगे कि तुम्हारे आंदोलन से क्या हो जाएगा, तुम कैसे भैया एक कर लोगे, तुम्हारी नेता बात मान जाएंगे क्या? हमने कि हमें नेताओं की बात मानने की जरूरत नहीं है, हमारा समाज अगर हमारी बात मानता है। और हम उनसे एक प्रश्न करते थे कि जो हम कह रहे हैं भैया ये बात सही है कि गलत है, किसी ने भी नहीं कहा गलत है, वो कहते बात तो तुम्हारी सही है। बोले मैंने कि तुम सत्ताधारी बनना चाहते हो कि भिखारी बनना चाहते हो? उन्होंने कहा हम सत्ताधारी बनना चाहते हैं। तो मैंने कि भिखारी किसने बनाया है तुम्हें? कह रहे भिखारी नेताओं ने बनाया। तो तुम्हें फिर कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि हमें करना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय जब लिया तो ये बात बहन जी को पता लगी, उन्होंने हमारे साथियों को बुलाया, उन्होंने कही भाई आप क्यों हल्ला गुल्ला मचा रहे हो? हमने कहा हम सत्ताधारी बनना चाहते हैं। काशीराम ने कहा था कि हम 1999 में इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री बना नहीं, कब तक बनेगा प्रधानमंत्री? हम आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपको बनना है कि नहीं बनना है? कह रहे सोचेंगे। उन्होंने सोचा और उसी समय ये बाई इलेक्शन दिल्ली उसके ये क्या नाम है गोरखपुर और फूलपुर का आया, और वहां एक तरह से समझौता नजर आया और उसकी वजह से वो दोनों सीटें जीत गई। जीतने के बाद में फिर कैराना का और नूरपुर का इलेक्शन आया, उसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि ये लोग पागल नहीं है, ये बोलते तो सही है, इनकी बात कड़वी होती है, क्योंकि कड़वी बात जो सच्ची होती है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा विजय होती है, चाहे हमारे लिए कोई सुने या न सुने, लेकिन हम सच्ची बात को जरूर सुनाएंगे। हम चाहे अकेले ही रह जाएं, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो हमने खोजा है बात सत्य बात है, हम उसको जरूर सुनाएंगे। मुझे पता है जब गोयलियों ने कहा कि जमीन घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो वहां के राजा ने कहा कि ये उल्लू है, पृथ्वी कैसे घूम जाएगी, पृथ्वी तो कभी घूमती नहीं, जिधर सोते हैं उधर ही जगते हैं हम लोग, अगर पृथ्वी घूमती होती तो सराना घूम जाता हमारा। लेकिन उस गैलीलियो के लिए मार दिया गया। आज सारा संसार पूरे साइंटिस्ट गैलीलियो को बात मानते हैं कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है, सत्य बात सत्य होती है, उस समय उसको कड़वी लगती है लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है बहुत समय के बाद में पता लगता है। जब काशीराम साहब ने कहा कि मैं सत्ताधारी समाज बनाना चाहता हूं बहुजन समाज बना करके, तो काशीराम को किसी ने सहयोग नहीं दिया। आज काशीराम की नाम पर सारे देश की सारी पार्टियां चल रही हैं, इवन भारतीय जनता पार्टी ने भी काशीराम साहब के मिशन के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि काशीराम ने एक बात बोली थी कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, लेकिन ये क्या चीज बोली थी उन्होंने? तो उन्होंने रिसर्च किया इस बात पर, उन्होंने कहा उनका मतलब था कि अब देश में ओबीसी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उन्होंने ओबीसी नाम का मोदी को तैयार करके लाए और उन्होंने उनको नेतृत्व जो है हाथ में
उनके दिया, जब नेतृत्व दिया उनके हाथ में, तो हमारा आदमी ये भी नहीं देखता है कि असली है कि नकली है, इनके अंदर क्या है बाहर क्या है। लेकिन हमारे लोग तो बहुत पागल है, उन्होंने देखा सच्चा आदमी है, ये नीचा आदमी है, ये पिछड़ा आदमी है, और उन्होंने मुट्ठी बांध करके उनके लिए वोट दिया। जिस तरह से 1971 में जब इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी वो बट गई थी, इंडिकेट सिंडिकेट हो गई थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब हम हार जाएंगे, कांग्रेस बट चुकी है, तब उन्होंने बाबू जगजीवन राम को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आपको पता होगा, जो पुराने लोग जानते होंगे, बाबू जगजीवन राम को अध्यक्ष बनाया, और हमारे लोगों ने सोचा कि अब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इनको अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब गैया बछड़ा की कांग्रेस को धै वोट पड़ा, और सिंडिकेट जो थी चित्त हो गई, और इंडिकेट जो सत्ता में आ गई। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो चाचा को पीछे कर दिया, भतीजे आगे आ गई, और वो प्रधानमंत्री बन गई देश में। हमने कितनी बार धोखा खाएंगे भाई, कब तक धोखा खाते रहोगे। हमने कहा इस समय ये राइट टाइम है, और इस राइट टाइम पे हम जो है अपना जगजीवन राम का बदला लेंगे। जो जगजीवन राम को उस समय प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था, आज बिल्कुल सही समय है। जो काशीराम साहब ने कहा था कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, हमारी बात इन्होंने मानी है, गठबंधन किया है, पिछड़ा और दलित इकट्ठे हो रही हैं पार्टियां सारी। इस पार्टी का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए, और हमें इस बार ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चाहे दिलों में आपके कितने भी अंदर कुछ भी हो, लेकिन उसको सबको भुला करके हमें इस बार बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना ही होगा। मैं समझता हूँ इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बाद में हमारा राष्ट्रीय समग्र विकास संघ, जो आपकी मांग है, जो आपके गिला सितबे हैं, इसी तरह से मीटिंग करता रहेगा, और अपनी जो बात है राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के मुद्दे, ये जो हम जानते हैं कि सत्ता से ही पूरे हो सकते हैं, और कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जब सत्ता हमारे पास में होगी, जिनके पास में सत्ता है, आपका जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं हुआ, आपके जितने बार मतलब जो आरक्षण के केस कितने सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन सवर्णों की सरकार है और उनका एक मिनट के अंदर जो विधेयक पास हो गया और लागू हो गया, सारे उसमें चल रहा है। तो जिसकी सत्ता होती है उसकी ताकत जो है दिखाई देती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। हमें अपनी सत्ता को तो बनाना ही पड़ेगा। जब हमने राष्ट्रीय समग्र विकास संघ बनाया है तो हमने इतनी सरकारें देखी हैं, तो एक बार हमें ऐसी सरकार इसलिए बनानी है। हम ये नहीं कहते कि हमारी बातें पूरी हो जाएंगी, पूरी ना भी हो तो एक बार अजमान है कि भैया बनाकर तो देख लो, और राष्ट्रीय समग्र विकास संघ उनसे आंदोलन करेगा, उनके सामने ये बातें रखेगा कि ये सारे जो हमारे पांचों मुद्दे हैं ये पूरे होने चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय समग्र विकास संघ पूरे देश में पत्रकार संघ को इकट्ठा करके पूरे देश में ये माहौल बनाएगा कि हम इस बार जो अपना देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि मैं काफी पहले सेशन में भी काफी समग्र विकास संघ के बारे में बता चुका हूं, और ये जो डेटा जो दिया हुआ हमने इसके लिए, ये जो दो पेज का प्रपत्र है इसको आप जरूर पढ़ें। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप 50 किताबें पढ़ेंगे तब भी ये डेटा इकट्ठा नहीं होगा। ये मैंने 5 महीने में इसको इकट्ठा करके बनाया है। एक लेबर के बारे में है, रोजगार के बारे में है, आरक्षण के बारे में है, और किसको फायदा मिल रहा है इस आरक्षण का, इसके बारे में भी है। तो मैं अभी एक अभी कोटि कर देना चाहता हूं कि अभी हमारे जो उदित राज जी हैं बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा कि देश में 3600 आईएएस हैं, 3600, उसमें से 2600 आईएएस जो अकेले ब्राह्मण, तो आरक्षण किसका है? जनरल का आरक्षण है कि मतलब इनका आरक्षण है? जिनकी जनसंख्या मतलब 100 में से 85% है उनकी कितनी नौकरी है, और जिनकी संख्या 10% है उनकी नौकरियां कितनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको 1935 का डेटा भी देखना पड़ेगा, कितनी थी आज कितनी हो गई है। अपने आरक्षण की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। हमने दिया है कि 1960 में आपके पास कितनी थी, आज हमारी प्रगति हुई है, जो आरक्षण की वजह से प्रगति हुई है, और आज जो हम जहां बैठे हैं ये उसके वजह से हमारे कपड़ों का रंग साफ हुआ, हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, जिस तरह से हमारे कपड़ों का रंग साफ हुआ है,
तो हमारे बच्चे जो गांव देहात में छूट गए हैं, जिनको आज पढ़ने के लिए पढ़ाई भी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए कौन देखेगा? उनके आज आप अभिभावक बन गए, उनके माँ बाप आप हैं। आज सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं देखना है कि अपने बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और आपका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पा रहा, तो उनकी भी कौन देखेगा? उनके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और आज भी धोखा दे रहे हैं। काशीराम भी कहते कहते मर गए, हम भी मर जाएंगे, लेकिन जो है सुधरेंगे नहीं लोग, लेकिन ज्यादा नहीं सुधरेंगे तो कम तो सुधर जाओ। थोड़े बहुत जो सुधरे हुए हैं वो थोड़ा तो सैक्रिफाइस तो कर लो। अगर आप सैक्रिफाइस कर लेते हैं और लोगों को जगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो जो दूर नहीं कि आपके हाथ में इस देश की सत्ता भी होगी, और सत्ता होगी तभी आपका प्रशासन जो है सही ढंग से काम कर पाएगा। ये जो MLA MP जो चुनकर भेजते हो, ये कोई सत्ता नहीं है, ये सत्ता नहीं है, ये तो जो एक तरह से उनके चमचे हैं। काशीराम साहब ने चमचा एक किताब लिखी है, उसको भी पढ़ लीजिए। तो ये सब चीजें हैं। काशीराम साहब इस समय सबसे बड़ा चाणक्य है इस देश के अंदर। तीन मतलब जो है लोग हुए हैं। सबसे पहला हर्बर्ट डिले, जिसने द पीपल ऑफ इंडिया लिखी, उसके वजह से अंग्रेजों ने 200 साल शासन किया। दूसरा जो आदमी है उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, उसके वजह से उन्होंने 60 साल राज किया। और तीसरा आदमी मान्यवर काशीराम साहब है, जिसकी वजह से आगे आने वाली पीढ़ी राज करेगी। जय भीम, जय भारत।